20 साल पहले भी सुनते आ रहे हैं टमाटर की खेती हो तो वहाँ कैचअ बनाया जाए, आज भी हमें नहीं लगता कि 20 साल में एक भी टमाटर टोमेटो कैचअ तक कोई इंडस्ट्री लगता है। इन चीजों को कैसे बढ़ाया जाए, उषा पाटिल अपने माध्यम से लगातार गांव का संगठन बनाकर छोटे छोटे क्लस्टर में इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, मार्केट से लिंकेज कर रही है। लेकिन समस्या केवल एक इंडस्ट्री दो इंडस्ट्री के माध्यम से आप इर्द गिर्द के 10-15-20 गांवों का विकास कर सकते हैं, इसमें एक इंस्ट्रूमेंटल पंचायत हो सकता है। आज के समय में पंचायत को कैसे सक्रिय किया जाए ये सबसे जरूरी है, और हम लोग उसमें लगे हुए हैं कि भाई पंचायत को कैसे इन्वॉल्व किया जाए इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में, क्योंकि गांव के स्तर पर अगर वो विकास करना है तो पंचायत को साथ लेना। और पंचायत को साथ लेने के साथ साथ उन लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई एक छोटे छोटे लोगों को 1-2-4-5 लोगों का अगर विकास हो गया तो इसका विकास ऐसे विकास का मतलब ये नहीं कि समाज का विकास, अगर समाज में प्रचलित अगर गांव में लोगों के पास कैपेसिटी डेवलप ना हुआ, अगर सस्टेनेबल वो ना बने, वो ऐसा विकास सिर्फ राज्य का विकास हो जाएगा समाज का विकास हो जाएगा ऐसा मेरा नहीं मानना। उषा पाटिल अभी पिछले तीन साल से इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर क्लस्टर बनाकर इंडस्ट्री के साथ लोगों को जोड़कर अब सैकड़ों लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया।